हाय गाइस, मेरा नाम है स्वर्णिम पाठक और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं इंजीनियरिंग के अलावा। देखिए, हमारा देश जो है ना, एक बड़ा ही यूनिक देश है। यहाँ पर हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग कर लें और आज के दिन में हमारे देश में लाखों इंजीनियर हर साल पास आउट होते हैं। एक रीज़न इंजीनियर्स का पास आउट होने का ये भी है कि इंजीनियरिंग को एक रिलेटिवली सेफर जॉब ओरिएंटेड कोर्स माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप इंजीनियरिंग कर लो तो आपका कुछ ना कुछ जॉब तो मार्केट में लग जाएगा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। और यही रीज़न है कि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी इंजीनियरिंग के खुलते जा रहे हैं और हर साल लाखों बच्चे 12th PCM करने के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग करने की सोचते हैं और कुछ भी नहीं करने की सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये जितने ही बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, इनमें से 50% बच्चे कभी अपनी ज़िंदगी में इंजीनियरिंग ओरिएंटेड जॉब ही नहीं करते हैं। और इसका कारण ये है कि जब इनका 12th होता है तो घर वालों के प्रेशर से या पीयर प्रेशर से ये लोग इंजीनियरिंग में चले तो जाते हैं, इंजीनियरिंग में घुस तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके इनको रियलाइज़ होता है कि ये लोग इंजीनियरिंग के लिए बने ही नहीं हैं, इनको तो कुछ और करना है। फिर ये जैसे तैसे घिसते घिसते अपने 4 साल वहाँ निकालते हैं और 4 साल बाद फिर जब ये पास आउट होते हैं, कई बार इनको जॉब मिल जाती है, कई बार जॉब नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग पता कर लेते हैं इनकी असली स्ट्रेंथ कहाँ है और उस जगह जाके जॉब करते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा जो रीज़न है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग ही एक ऑप्शन नहीं है आज के दिन में। आपके इंटरेस्ट के बेस में, आपके टैलेंट के बेस में कई सारे और ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के, जिनको आप अगर कर लेते हैं 12th PCM के बाद तो आपको उतनी ही अच्छी जॉब मिल सकती है जो आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके मिलेगी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो मैंने अपने मोबाइल में सेव करी हुई है, मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस पर रिसर्च कर रहा था। तो ये हैं मेरे टॉप कैरियर्स जो कि आपको बहुत अच्छी जॉब दे सकते हैं और जिसको आप क्लास 12th PCM के बाद फॉलो कर सकते हैं। तो पहला करियर ऑप्शन दोस्तों जो आपको सजेस्ट करूंगा वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक टेक्निकल दिमाग भी होता है और साथ साथ बहुत क्रिएटिव दिमाग भी होता है। वो लोग काफ़ी ड्राइंग्स वगैरह भी अच्छी बना लेते हैं, साथ साथ वो लोग टेक्निकली भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का जो कोर्स है ये एक 5 साल का कोर्स होता है। काफ़ी सारे IITs भी ये कोर्स कराते हैं। इसके लिए आपको JEE का ही एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद अलग से जो है एक डिज़ाइन एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होता है। साथ साथ कई सारे और कॉलेज हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली में हैं और कई सारे प्राइवेट कॉलेज भी आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, टाउन प्लानिंग करने में और इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर को भी एज अ करियर ऑप्शन रख सकते हैं। एक और ऑप्शन दोस्तों जो 12th PCM के बाद आपके पास होता है वो है BCA करने का, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने का। ये कोर्स स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनको कंप्यूटर साइंस में जाने की जो दिल से इच्छा करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को कंप्यूटर साइंस के BTech में एडमिशन नहीं मिल पाता, उनको कोई दूसरी पीछे की ब्रांचेस मिलती हैं। तो अगर ऐसा केस है तो वो लोग चाहें तो BCA और उसके बाद MCA भी कर सकते हैं, जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। BCA के लिए भी हर इंस्टीट्यूट जो है, जो भी BTech कराता है उसके पास एक BCA का कोर्स भी होता है और इसके लिए भी एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या कई बार इंस्टीट्यूट अपने खुद का एग्ज़ाम भी कराते हैं। दोस्तों, जो तीसरा करियर ऑप्शन है 12th PCM के बाद वो है बैचलर ऑफ डिज़ाइन करने का। ये जो कोर्स होता है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उनको डिज़ाइन फील्ड में जाना होता है और ये कोर्सेज कई सारे जाने माने इंस्टीट्यूट कराते हैं इंडिया में। नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन एक काफ़ी जाना माना इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारे और कॉलेजेस भी हैं जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन आपको करा सकते हैं। दोस्तों, जो अगला फील्ड है जहाँ पर आप क्लास 12th PCM के बाद जा सकते हैं वो है फैशन का। फैशन के फील्ड में 2 तरीके के मेनली कोर्स होते हैं। एक होता है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स जहाँ पर मेनली डिज़ाइनर बनते हैं आप उन कोर्स को करके, और जो दूसरा कोर्स होता है वो है फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स। और फैशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है वहाँ पर आप फैशन टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, यानी कि फैशन की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सारा ज्ञान होता है। मैं खुद जो हूँ एक फैशन टेक्नोलॉजिस्ट हूँ अपने बैचलर डिग्री से, मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई करी थी। तो फैशन टेक्नोलॉजिस्ट या फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए जो कोर्सेज हैं
नंबर वन कोर्स इंडिया में जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का, उसका अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे कई सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिज़ाइन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे कई सारे डिज़ाइन रिलेटेड एप्टीट्यूड भी आपका जज किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छे 4 साल के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपकी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी जॉब लग सकती है। और दोस्तों कई सारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन है जो फैशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्सेज कराती है। दोस्तों जो अगला करियर ऑप्शन है वो है लीगल का। आप PCM करने के बाद LLB भी कर सकते हैं। कई सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के वहाँ पर LLB के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर से आप लॉयर बन सकते हैं। दोस्तों एक अगला करियर ऑप्शन जो काफ़ी पॉपुलर है वो है होटल मैनेजमेंट का। और होटल मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ कॉलेज में रिक्वायरमेंट होता है PCM कंपलसरी होता है, जबकि कुछ कॉलेज में नॉन PCM लोगों को भी लिया जाता है। होटल मैनेजमेंट के लिए जो नंबर वन इंडिया में टेस्ट है वो पूसा का है। पूसा का IHM टेस्ट होता है, नेशनल होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इससे जो सरकारी होटल मैनेजमेंट कॉलेज है उनकी सीट्स भरी जाती हैं। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो होटल मैनेजमेंट में कोर्सेज ऑफर करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला कोर्स है जो काफ़ी क्रिएटिव लोगों के लिए एक और फील्ड है वो है फिल्म और टेलीविज़न से रिलेटेड फील्ड में आप जा सकते हैं। कई सारे कोर्स होते हैं प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, एक्टिंग में, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे कि FTII और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा करवाते हैं। और इसके अलावा कई सारे और इंस्टीट्यूट भी हैं जो इन सेक्टर्स में आपको नॉलेज देते हैं, तो आप चाहें तो इन कैरियर फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्लास 12th के बाद। दोस्तों जो अगला करियर फील्ड है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का। ये जो है ये 3 अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि आपको ट्रेनिंग देती हैं और आपको एक सर्टिफिकेट देती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो इसको आप अपने नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ साथ इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद काफ़ी अच्छे जॉब प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, काफ़ी आसानी से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स की जॉब लग जाती है। दोस्तों जो अगला उभरता हुआ फील्ड है 12th के बाद जिसको आप फॉलो कर सकते हैं वो है मीडिया और जर्नलिज्म का। मीडिया और जर्नलिज्म भी एक इमर्जिंग फील्ड है। कई सारे न्यूज़ चैनल, कई सारे न्यूज़पेपर, कई सारी मैगजीन्स जो हैं आज इंडिया में हैं और हर किसी को ज़रूरत होती है हमेशा नए टैलेंट की, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं न्यूज़ में, मीडिया में, जर्नलिज्म में, तो इसके भी कई सारे कोर्सेज हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इस पर कोर्स देती हैं, वहाँ से आप इस पर कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला करियर ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एनिमेशन का। एनिमेशन भी एक उभरता हुआ जो है फील्ड है जहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से काफ़ी अच्छी जॉब्स कर सकते हैं। कई सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एनिमेशन में आपको डिप्लोमा या डिग्री देती हैं। एनिमेशन में डिप्लोमा या डिग्री देने के बाद आप ईज़िली जॉब पा सकते हैं जॉब मार्केट में, या फिर काफ़ी सारा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं खुद अपना जॉब सेटअप करके या फ्रीलांसिंग करके भी। और दोस्तों जो आखिरी करियर ऑप्शन है जिसके बारे में बात करूँगा वो है इंडिया की डिफेंस सर्विसेज। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है और उस एग्ज़ाम के थ्रू आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12th के बाद। तो दोस्तों ये हैं कई सारे ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस इंजीनियरिंग के अलावा जिनको आप फॉलो कर सकते हैं क्लास 12th PCM के बाद। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ऐसा डालूं तो आपको बड़ी ही आसानी से नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं।